मेरा नाम है योगेन, आप देख रहे हैं यूपी टेट सीटेट मैथ क्लासेस। आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है? जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसको भिन्न बोलते हैं। आइए देखते हैं भिन्न को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश को नॉमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को बोलते हैं हर। दशमलव भिन्न जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है निश्चित दशमलव भिन्न। क्या होता है? निश्चित दशमलव भिन्न। एक होता है निश्चित दशमलव भिन्न और एक होता है अनिश्चित दशमलव भिन्न। अनिश्चित दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब निश्चित दशमलव भिन्न क्या होता है और अनिश्चित दशमलव भिन्न क्या होता है इसको देखते हैं। निश्चित दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव के बाद निश्चित वैल्यू आती है उसको निश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। और अनिश्चित दशमलव भिन्न क्या होता है कि दशमलव के बाद जिसकी जो संख्या निश्चित नहीं होती उसको अनिश्चित दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखते हैं अनिश्चित दशमलव भिन्न दो प्रकार के होते हैं। अनिश्चित दशमलव भिन्न ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती दशमलव भिन्न और एक होता है अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब ये क्या होते हैं देखिए, ये आवर्ती दशमलव भिन्न जो है इसमें क्या होता है कि जो दशमलव पॉइंट होता है उसके बाद आने वाली संख्या वो उसकी अनंत बार पुनरावृत्ति होती है उसको आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। और अनावर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है कि जो दशमलव पॉइंट होता है उसके बाद आने वाली संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, सब अलग अलग अंक आते हैं। दशमलव भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको पढ़ते हैं। निश्चित दशमलव भिन्न क्या होता है कि दशमलव अंक के बाद आने वाली जो संख्या होती है वो एक निश्चित संख्या होती है। जैसे हम लोग लेते हैं 21/4, ये हमारे पास एक भिन्न है, इसको हम लोग काटेंगे, 4 से इसको काट दो, 4 × 5 = 20, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8, 20 बचा, 4 × 5 = 20, ये कट गया, कितना आया 5.25, ये आ गया। तो कहने का ये मतलब था कि ये जो दशमलव है इसके आगे आने वाली संख्या एक निश्चित संख्या है क्योंकि ये पूरी तरीके से कट गया, तो ये जो निश्चित संख्या है इसी को बोलते हैं निश्चित दशमलव भिन्न। अनिश्चित दशमलव भिन्न को देखते हैं। अनिश्चित दशमलव भिन्न क्या कहता है
कि जो दशमलव पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है उसके आने वाली जो संख्याएं हैं वो निश्चित नहीं होती हैं, वो सब अलग अलग संख्याएं आएंगी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। इसको अब हम लोग काटेंगे, 7 3 21 तीन बार में कट गया और यहां बचा कितना 10 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 7 1 7 30 हो गया, 7 4 28 फिर 20 हो गया, 7 2 14 फिर 60 हो गया। ऐसे ऐसे संख्याएं अलग अलग आती रहेंगी, इसी को बोलते हैं अनिश्चित दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न को देखते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है कि जो दशमलव होता है उसके आगे आने वाली संख्या जो होती है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे देखते हैं कि 17/3 इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15 यहां कितना बचा 2 दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18 फिर 20 हो गया, 3 6 18 फिर 20 फिर 6 6 6 ये ऐसे ऐसे अनंत तक आता रहेगा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि संख्याएं रिपीट करने लगे, यही होता है पुनरावृत्ति। और इसी जब संख्याएं रिपीट करने लगती हैं तो इसको इतनी बार ना लिख के हम इसके ऊपर जो है वो बार लगा देते हैं, ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो ये हो गया 5.6 बार। अनिश्चित दशमलव भिन्न वो होता है कि जो पॉइंट लगने के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं। जैसे लिखा हुआ है 7.12537 8, ऐसे ऐसे ये संख्याएं निश्चित नहीं है, कुछ भी आ सकती हैं। जैसे 1 के बाद 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, ये हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। पॉइंट के बाद ये जो संख्याएं हैं ये निश्चित नहीं होती हैं, कुछ भी आ सकती हैं, उसको बोलते हैं अनावर्ती दशमलव भिन्न। देखते हैं कैसे दशमलव भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं जैसे 1.75, ये लिखा हुआ है दशमलव भिन्न, इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। इसको देखिए लिख सकते हैं 1.75 को 1.75 1.75 1.75, इसके बाद यहाँ जो पॉइंट लगा हुआ है इसकी जगह पे हम अपॉन में क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंक पे है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। जितने भी अंक होंगे नीचे उतने 0 लगते जाएंगे। इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं 175 को। सबसे पहले 5 से करिए, 5 2 10, 5 0 में 0, 5 3 15 25 हो गया, 5 5 25, फिर इसको 5 6 20, 5 7 35, 7 आया अंश में, ये 4 आया। ये 1.75 को हम लोग साधारण भिन्न में बदल लिए 7/4, इसको बोलते हैं अंश ऊपर वाले को अंश, नीचे क्या है हर, ये अंश और हर के रूप में है और ये साधारण भिन्न भी है। इसे दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न में बदलेंगे, लिखा हुआ है 0.35, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 0 छोड़ देंगे क्योंकि 35 लेंगे, 35 बटे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 लिख के 2 जीरो, 100 हो जाएगा। इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 2 10, ये आ गया कितना 7/20, ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखेंगे। आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होता है कि पॉइंट लगने के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, जैसे पॉइंट लगने के बाद 7 है तो ये संख्या रिपीट करेगी, 7 7 7, ये ऐसे ऐसे आता ही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट 7 के ऊपर ये बार,
इसकी ये जो रिपीट कर रहा है इसके लिए रिपीट ना करे हम लोग ऊपर बार लगा देते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो हम लोग x मान लेते हैं, उसके बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, तो हम लोग दोनों पक्ष, एक पक्ष ये है और एक ये है, तो इसमें 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू कितना 0.777, ऐसे ऐसे आता ही रहेगा, तो ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का करेंगे कितना आएगा 7.777, ऐसे ही आता रहेगा, ये आएगा, फिर ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 0.777, ऐसे रिपीट करता रहेगा, क्योंकि इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा 7.777, ऐसे ही। तो देखिए अब इसके आगे 10x इज इक्वल टू 7 प्लस, ये देखो यहाँ 0.77 जो रिपीट हो रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पे हम x को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो गया 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू x, तो अब ये 10x, ये x है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 7, ये कितना हो गया 10x माइनस x, यहाँ पे कर लेते हैं इस तरफ, 10x में एक x निकाल देंगे कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू कितना है यहाँ 7, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 7, और ये भाग इनटू में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 9, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 7/9, ये हमारा साधारण भिन्न है, ये आवर्ती दशमलव भिन्न है, इसको हम लोग साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लिए, ये आंसर हो गया। अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं, 0.56 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है कि ये लिखा हुआ है 0.5, यहां सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 5 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी सब 6-6 आएगी, 6-6, ये ऐसे चलता ही रहेगा, क्योंकि 6 के ऊपर बार है, अगर 5 के ऊपर बार लगा होता तो ये हो जाता 5-6, 5-6, 5-6, ऐसे ऐसे रिपीट करता। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं x, और दोनों साइड में 10 से गुणा कर लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेंगे, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5666, ये रिपीट करता रहेगा, इसके ऊपर रिपीट ना करें इसलिए बार लगा दे रहे हैं, यहां पे लगा हुआ है, ये क्या हो गया 10x इज इक्वल टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसमें आएगा 5.6 के ऊपर बार, ये आएगा 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.6 के ऊपर बार, इसको जोड़ेंगे तो यही मिलेगा 5.6 के ऊपर बार। अब देखिए 10x इक्वल टू 5 प्लस, अभी हम इसको हम लोग अभी सॉल्व किए थे तो कितना आया था 6/9, अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना, 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ था, इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो आया था 7/9, 7, और ये जो बार है इसको बट्टे और
पॉइंट के बाद एक संख्या है इसलिए 9, अगर दो संख्या होती तो 90 हो जाता। ठीक, तो ये 0.6 के ऊपर बार है तो 6 बटे पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए सिर्फ 9, दो अंक होता तो 90 हो जाता। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10x इज इक्वल टू, यहाँ 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 9 कितना आएगा, 5, 9 5 जा 45 प्लस 6, आइए इधर देख लेते हैं, 10x इज इक्वल टू कितना, 45 और 6 51 अपॉन में 9, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 51 अपॉन में 9, यहां पे इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा इंटू 10। ठीक, x इज इक्वल टू 51 अपॉन में कितना हो गया, 90, ये हो गया हमारा साधारण भिन्न, ये हो गया साधारण भिन्न। अभी यहाँ पे यही बता रहे थे कि अगर पॉइंट के बाद दो अंक होता तो 90 होता, ये देखिए पॉइंट के बाद दो अंक है इसलिए 90 आ गया। इस सवाल को हम लोग करते हैं कि 12.7 के ऊपर बार है को साधारण भिन्न में बदलो। इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे, लिखा हुआ है 12.7 के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब वो उस संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसको हम लोग ये x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 12.7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.7 के ऊपर बार, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 12 प्लस, एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 7, ये जो बार है इसको अपॉन में पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसलिए 9। अभी क्या हुआ था कि 2 दशमलव के बाद 2 अंक था तो 90 आया था, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 9 आया है। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम हो जाएगा 9, 12 9 108 प्लस 7, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 115 बटे में 9, x इक्वल टू 115 बटे 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग 9 से भाग दे रहे हैं 115 में, 115 में कितनी बार आ जाएगा, 9 1 का 9 2 11 25, 9 2 18 कितना आया 7। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिए हम लोग यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आएंगे कहां पे, यहां पे, इसके बाद हम लोग आएंगे यहां पे। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू सबसे पहले क्या 12 सही 7/9, ऐसे लिखेंगे इसको, ये हमारा आंसर हो गया। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देख दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 1 सही 1/2 है तो 2 1 कम 2 1 3/2, 3/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 कम 2 1 3 3/2, फिर प्लस 11 2 22 23 23 सही 23/2, फिर इसको लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, अभी यहाँ तो 1 है तो हो जाएगा, लेकिन अदर वैल्यू होगा
तो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इसको दूसरी तरीके से, लिख सकते हैं a प्लस एक बटा दो, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ नीचे अगर हम एक ले लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, दो, दो एक कम दो प्लस एक कितना है, दो एक तीन बटा दो, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कि दो एक कम दो एक तीन बटा दो, यही चीज आ गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, यहाँ बीच में हम प्लस लगा देंगे, फिर एक बटा दो, फिर प्लस यहाँ पे 111, फिर प्लस, फिर एक बटा दो, फिर यहाँ 1111, फिर प्लस एक बटा दो, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो, इसको अलग अलग जोड़ लेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, 1 प्लस 11 प्लस प्लस 1111 प्लस एक बटा दो, फिर प्लस एक बटा दो, फिर प्लस एक बटा दो, फिर प्लस एक बटा दो, इसको कर लेते हैं। ये आएगा 1 1 1 1 कितना हुआ, 4, फिर कितना हुआ, 1 2 3, फिर कितना हुआ, 2 1, फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 बटा 2 आएगा, ये कट जाएगा, दो बार में कट गया, तो यहाँ कितना हो गया, 1234 में दो जोड़ देंगे, कितना आया, 1236, ये हो गया हमारा आंसर। 123 सही 1/7 प्लस 124 सही 2/7 प्लस 125 सही 3/7 प्लस 126 सही 6/7, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ बीच बीच में प्लस लगा देंगे, 1 2 3 प्लस 1/7 प्लस 124 यहाँ फिर प्लस 2/7 फिर प्लस 125 प्लस कितना 3/7 प्लस 126 प्लस कितना 6/7, ये हो गया। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, इसको एक तरफ पहले कर लेते हैं, 1 2 3 प्लस 1 2 4 प्लस 1 2 5 प्लस 1 2 6, ये एक तरफ हो गया। अब बटे में जो है उसको अलग कर लेते हैं, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7, ठीक। अब इन सभी को जोड़िए, 4 3 7 7 5 12 12 6 18, 1 हासिल, 2 2 4 2 6 2 8 9, 1 2 3 4, 498 प्लस कितना हुआ, 6 3 9 1 10 2 12, 12/7। इसको हम लोग देखिए यहाँ पे बीच में प्लस लगाए थे, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बीच में प्लस लगा दी, तो हम इस प्लस को हटा देते हैं, 498 सही 12/7, ये हमारा आंसर हो गया। 99 सही 67/99 × 99, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे हम प्लस लगा लेंगे, 99 प्लस 67/99, यहां कुछ नहीं है, यहां प्लस नहीं लगेगा, आगे सिर्फ प्लस लगता है, अगर पीछे साइड में है इसका मतलब वो गुणे में है, तो इंटू 99, ठीक। यहाँ पे एक एलसीएम ले लेंगे, 99 यहाँ पे कितना है, 99 × 99 प्लस 67, ठीक, अब गुणे 99, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 99 × 99, 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801, ये होता है, प्लस 67
अपॉन में 99 और ये कितना है इंटू 99। ये देखिए ये अंश में है और ये हर में है, ये कट गया 99 से 99 कट गया, कितना आ गया ये है कितना 98.01, 98.01 प्लस 67, इसको जोड़ लेते हैं 7 1 8 7 1 8 ये हो गया 6, ये 8, ये हो गया 8, ये 8 और ये 9, ये हो गया हमारा आंसर। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1 + 1/15 + 1/15, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज देख लीजिए आप, कि जैसे ये लिखा हुआ है a बटे में b बटे में c और बटे में d, ये लिखा हुआ है, ये जैसे एक है अंश और हर, फिर ये बटे में फिर एक अंश और एक हर लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो ये अंश है और ये तो हर है, इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी, ये देख लीजिए इसका यूज हम इसमें करेंगे। आइए देखते हैं इसको, सबसे पहले हम इस टाइप के सवाल में इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस पोर्शन को आइए देखते हैं। 1 + 1/15, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 एलसीएम हो गया, ठीक। तो ये कितना आ गया 15 × 15 + 1, ये आया। अब देखिए 1 + 1/15 × 15 कितना होगा 225, 225 प्लस 1/15। अब देखिए ये इस तरीके के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहां पे तो 3 ही है। अब ये देखिए ये वाला तो अंश और हर के रूप में है, ये सिर्फ अंश है और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मान लेते हैं, ठीक। इसके नीचे एक है तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 1/1 में ये हो गया 226 226 बटे में 15। अब हो गया ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए का गुणा किसमें हुआ है डी में हुआ है, इसका मतलब एक का गुणा 15 में, इसका मतलब एक का गुणा 15 में होगा। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं इधर, तो कितना हो गया 1 + ये 15 का ऊपर में जाएगा 15 अपॉन में, और ये एक बटा 226 का गुणा हो जाएगा आपस में, ये हो गया 226। तो अब यहां पे इसका एलसीएम कर लेंगे 226, ठीक, 226 प्लस 15 कितना हुआ 6 5 11 और 2 1 3 3 4, यहाँ हो गया 241 / 226, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।